I just feel very happy to come here because it's for a good cause. The event is for a good cause, and Sandeep's team has trained me for some of the work that I have done. So finale ke winner ko award dene aaya hu main. So I'm very curious to know who it is. Or dance to hum sab pasand karte hi hai, not just because it's part of Bollywood, but because it's so therapeutic. And Sandeep has promoted dance all the time. So I just feel like I'm encouraging new talent, younger talent, and it's dance week. It's International Dance Week, right? So that's the main modus operandi. So just here to encourage. And Sandeep sir is also doing a social cause also with this. So what do you have to say about that? Well, that's the reason why I'm here. It's to raise funds for children who are Down syndrome. With Down syndrome, yes. And the more we do, the better it is. And I think जिस ज़माने में हम रहते हैं वी हैव टू बी मोर कम्पैशनेट, वी हैव टू बी मोर एल्ट्रुइस्टिक एंड नॉट जस्ट थिंक अबाउट आवर सेल्स, विच इज़ वाई हम हियर ऑन अ संडे नाइट, विच इज़ वाई यू ऑल आर हियर ऑन अ संडे नाइट. सो लेट्स जस्ट चीयर फॉर द विनर एंड लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस दैट एवरीवन गेट्स देयर ड्यू. बस तुषार जी जो हैं वो बहुत टैलेंटेड डांसर हैं, आप लोग सब जानते हैं, हम सब ने देखा है उनको सिल्वर स्क्रीन पे डांस करते हुए, और रियल लाइफ में बहुत अच्छा डांस करते हैं. सो आई एम थैंकफुल टू यू सर, आप यहाँ पे आए हम सबको एनकरेज करने के लिए. इट फील्स एब्सोल्युटली वंडरफुल. हमारे साथ जो कॉज जुड़ी हुई है डांस के साथ, दैट इज़ व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो डांसर होता है वो लोगों को जोड़ता है, बांधता है, एंड डांस का वही जलवा है जो लोगों को साथ में मिला के लाता है. और जहाँ पे अगर साथ में कंपैशन जुड़ा हो, लोगों के साथ में मिला मेल जोल जुड़ा हो, वो डांस हमेशा निखर के बाहर आता है. दैट्स व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग टुडे. सर आपके जो पापा हैं एक डांस आइकॉन माने जाते हैं, मतलब जितेंद्र की फिल्म में अगर डांस नहीं है तो कुछ नहीं है, तो आप कितना डांस को आप कुछ करते हैं डांस वगैरह, पापा ने सिखाई थी वगैरह? वेल उनकी स्टाइल में बहुत अलग चीज़ें हुआ करती थी, वो उनका अपना स्टाइल था. और आज का ज़माना अलग है, जो प्रीवियस बॉलीवुड स्टाइल और मॉडर्न बॉलीवुड स्टाइल को मिलाकर हम लोग एक अलग ही खिचड़ी बनाते हैं और लोगों के सामने लाते हैं. सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ द ओल्ड द न्यू जो आज हम करते हैं. बट ही इज़ अ लेजेंड एज फार एज डांस मूवीज आर कंसर्न्ड, एज फार एज फिल्म सॉन्ग्स आर कंसर्न्ड. तो उनकी फिल्में देखकर ही तो सीखा है मैंने, बचपन से उनकी फिल्में ही देखी है. एंड बहुत फिल्मी बच्चा था मैं, आई टू लव वॉचिंग बॉलीवुड फिल्म. सो आई थिंक दैट्स वाई ऑल्सो आई एम हियर, आई मीन टू प्रमोट आर इंडस्ट्री, टू प्रमोट डांस, जो कभी कभी आजकल हम देखते हैं फिल्मों में, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक थोड़ा कम हो गया है फिल्मों में. काइंड ऑफ रिमूव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम द नैरेटिव ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ फिल्म्स, विच इज़ नॉट गुड. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ आर कल्चर, इट्स पार्ट ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री, और गानों को हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए. वो उनका स्टाइल था और एक ट्रेडमार्क बन गया था उनके साथ, एंड पीपल लाइक हिम फॉर इट. उसके बाद तो बहुत सारे एक्टर्स ने उनको फॉलो भी किया है, बट आई थिंक जिस तरीके से वो अपने स्टाइल को कैरी करते थे बहुत कम कर पाए हैं. एंड यू कैन नेवर कॉपी समवन, आई थिंक व्हाट इज ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल. यस यस, देर आर मैनी इन द पाइपलाइन विच आई एम अलाउड टू टॉक अबाउट. एंड गोलमाल 5 also I don't know कब बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर. सो यू कैन आस्क द प्रोड्यूसर दैट. बट अदर देन दैट, लॉट्स ऑफ स्टफ हैपनिंग ऑन OTT also, विच इज़ गोइंग टू कम, गोइंग टू स्टार्ट, एंड होपफुली वील हैव मोर मूवीज़ बैक इन द सिनेमाज. अभी तो खुल गया है सब कुछ, सो वी वुड लव टू हैव मोर मूवीज़ बैक इन द सिनेमाज. नहीं, आई एम जस्ट कमिंग टू विश एंड अवार्ड द विनर. यस, ढल गया दिन खो गई रात, आई थिंक मोस्ट ब्यूटिफुल. जिस तरह से कोरियोग्राफर्स ने और सर ने मिलकर के एक स्पोर्ट के साथ में डांस को जोड़ा था, आई थिंक उस वो इतना अच्छा गाना बन के बाहर आया कि हम सब कोरियोग्राफर्स लोग जो है ना, हमको हम लोग जब सीखते हैं कोरियोग्राफी, तो कुछ गाने हम लोगों को बताए जाते हैं कि इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और आर्टिस्ट किस तरह से करते हैं वो देखिएगा. और हमें वो गाना सिखाया गया था
किस तरह से आप खेल को नाच के साथ मिला करके ला सकते हैं, और हिंदुस्तान जो है वो दो चीज़ों के प्रसिद्ध है, एक स्पोर्ट्स और एक डांस, और वो दोनों मिल जाए साथ में तो क्या कमाल होता है। डांस करने का बिल्कुल नहीं मिला, मिलने का मौका ज़रूर मिला है। हेमा जी के यहाँ जब भी मैं गया था, मेरी मुलाकात सर से बहुत बार हुई है, एंड आई फील प्रिविलेज कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, बिकॉज ही इज़ डांस आइकॉन। सर के फादर हैं और मेरे लिए डांस आइकॉन है वो, तो मेरे हमारे देश के डांस आइकॉन है, सो इट्स अ प्रिविलेज व्हेन वी मीट पीपल लाइक हिम। नहीं बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर।